हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ TCS। और TCS से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट इस वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो TCS का देखा होगा, जब इसने 3000 रुपी टच किया था और उसके बाद एक छोटा सा फॉल आया था, तो मैंने बोला था उस प्राइस रेंज पे भी आप बाय कर सकते हो, वहाँ से आगे भी हमें TCS में काफ़ी अच्छा जंप दिखाई देगा। और वो क्यों बोला था, क्या एनालिसिस था, वो सारी डिटेल्स प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई थी कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और ये थोड़ी बहुत गिरावट को जो है कंसिडर नहीं करेगी और उसके बाद एक पॉजिटिव बाउंस बैक देगी। तो आप देख सकते हो 2953 का लो बनाया था इसने, लेकिन 3428.70 की जर्नी इसने जो है फ्रेंड्स तय की थी। इसका मतलब अगर हम ऑन एन एवरेज अगर निकालेंगे यहाँ पे, तो लगभग 450 रुपीज़ पर शेयर की बढ़ोतरी हमें TCS में देखने को मिली है। लास्ट वन ईयर का इसका जो हाई है फ्रेंड्स 4000 के आसपास है, देख सकते हो आप 4043। तो यहाँ से अगर ये रैली हमें कंटिन्यूसली दिखती है, तो हमें फिर से ये शेयर जो है एनालिस्ट के हिसाब से 3750 और 3900 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग ये शेयर है। और क्या बड़ा अपडेट है क्विकली देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे आप देखिए, TCS विंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील फ्रॉम 5 स्टार बैंक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डील फिर से मिली है। तो फ्रेंड्स, जैसे पता है ना कि इंडिया की बट ग्लोबली सबसे बड़ी IT सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है फ्रेंड्स। और ये जो लेटेस्ट जो डील है, ये इसलिए कंप्लीट हुई है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए, TCS will leverage its customers' intelligence and insight analytics from help 5-star bank engage with its customers across multiple channels real time, it said. तो real time में जो है across multiple channels को जो है connect करने में help करेगी, customer experience अच्छा करेगी with the help of intelligence and insight. जैसे कि हम सबको पता है friends कि AI, यहाँ पे आप देख सकते हो AI and ML, that is machine learning, AI ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो है फ्रेंड्स पर्टिकुलरली IT सर्विसेज में आने वाला जो है एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। AI में जनरली क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे डेटा के ऊपर स्टडी करके हमें ऑटोमेटिक जो है कंप्यूटर कुछ सजेशंस देगा या मशीन्स कुछ सजेशन देगी, और उसके बेसिस पे जो है बिजनेस डिसीजंस लिए जाएंगे। तो इसमें भी TCS ने काफ़ी एग्रेसिवली जो है टेक्निकल इंजीनियर्स हायर किए हैं इस साल, और उसी के चलते जो है TCS को ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली जो है एक पॉजिटिव मूव साबित हुआ लास्ट ही जब ये न्यूज़ आई तब, और उसी दिन हमें मोर देन 2% की जो है उछाल देखने को मिली थी TCS में। ऐसे ही बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन TCS आने वाले सालों में करने वाला है, जिसके चलते उनकी शेयर प्राइजेस में भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंस देखने को नज़र आ सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट था फ्रेंड्स। और जिनको भी TCS के बारे में इन डिटेल जानकारी चाहिए कि क्यों इतना अच्छा जो है उछाल इसने दिखाया इसके लास्ट लो के बाद, तो उसके लिए प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।